क्या वो रहा गाइस, एंडर ड्रैगन पावर ले रहा है भाई। और ये क्या भाई, एंडर ड्रैगन। ओ गाइस यहाँ पे कछुआ है भाई। और ये क्या, कछुआ क्या सोया हुआ है? सो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है एक और नए एपिसोड में अंकल जैनी के। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो यार, जैसा कि आप लोगों को हमारे लास्ट लाइव स्ट्रीम में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हम गए थे इजिप्ट के पिरामिड, और भाई वहाँ पे हमने बहुत सारा उधम मचाया भाई, और भाई बॉस वगैरह को मारा। और ये पिगलैन कहाँ से आ गया भाई? तो गाइस हम इस वाले पोर्टल में गए थे जिसका नाम है ओटोम पोर्टल, और भाई बहुत ही मज़ा आया गाइस यहाँ पे। और हमारे सीड, अच्छा मैंने फीडिंग बैग इसके अंदर रख दिया है। मैं तभी कहूँ यार, पैटों ने काम करना क्यों बंद कर दिया? ठीक है भाई, तो ये सब सामान गाइस हम वहाँ से लेके आए हैं। और एक है लेग्स ऑफ ओटम, तो ये लैगिंग है भाई, तो ये लैगिंग मैं पहन लेता हूँ। और इसमें अच्छा खासा आर्मर वगैरह दिया गया है भाई। और क्या इसमें स्पीड है? मूवमेंट स्पीड, ओके गाइस इसमें स्पीड है, तो फिर मुझे अपने पैट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। नहीं स्पीड है मगर इतनी भी स्पीड नहीं है, लेकिन अभी भाई हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड हो गई है, तो यार ये चीज़ बहुत सही है। अभी हमारा स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो गाइज हम जितना भी आर्मर वार्मर लेके आए थे, सबसे पहले तो वो निकालूंगा मैं, क्योंकि ये सब गाइज आर्मर है। और ये स्क्रैप जैम मुझे नहीं पता भाई किस चीज़ में यूज़ होता। ओके टाइम मशीन, ओ भाई, लेकिन इसके लिए गाइज हमें नेदर स्टार चाहिए होगा। और भाई टाइम मशीन है हमारे पास गाइज, और इस टाइम मशीन से क्या होता है भाई? आई डोंट नो गाइज ये टाइम मशीन किस चीज़ के काम आएगी गाइज, बट हम डेफिनेटली भाई टाइम मशीन ज़रूर से बनाएंगे। और यार ये हेड को मैं वापस से रिपेयर कर लेता हूँ अच्छे तरीके से, और ये हेड मुझे सच में बहुत पसंद आ रहा है पर्सनली। और इसमें से सारा सामान निकाल के मैं रख देता हूँ भाई, जो मैं भर रहा था बॉक्स यहाँ पर रख दूंगा मैं। तो ये बहुत सारे बॉक्स भाई हमने यहाँ पर भरे हैं। चलो गाइज मैंने सारा का सारा सामान भाई सेटअप कर दिया है, और उसके अलावा भाई हमारा हेड भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। चेस्ट प्लेट को भी हम थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं। और यार गाइस इसमें एम्ब्रल्ड से यार काफ़ी कुछ बनता है, तो मेरे पास 4 एम्ब्रल्ड है, तो मैं इसका बूट बना लेता हूँ, क्योंकि एम्ब्रल्ड का जो आर्मर है वो काफ़ी पावरफुल है भाई। और ये वाला बूट हटा देता हूँ मैं। और ये इसने कहाँ पकड़ लिया एम्ब्रल्ड का बूट? ओके अभी मेरे लैगिंग आ चुके हैं भाई एम्ब्रल्ड की, और एम्ब्रल्ड वाला काफ़ी पावरफुल है भाई, तो इस वाले को मैं रख दूंगा यहाँ पे। और हेड पहन लेता हूँ, और ये हेड बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मतलब देखने में बहुत शानदार है हेड। और चेस्ट प्लेट भी हमारा रिपेयर हो गया है, तो चेस्ट प्लेट भी पहन लेते हैं भाई हम। और उसके अलावा गाइज हमारे पास, हम एक जानवर भी लेके आए हैं वहाँ से भाई। ये देखो कहाँ गया, अरे लोल गाइज मैं तो भूल ही गया, इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ नहीं लेके आ सकते, वो गायब हो जाती है। शिट यार, चलो कोई नहीं, हम कैमल दोबारा लेके आएंगे भाई। इसके अंदर पकड़ के लेके आना एक बेकार आइडिया, क्योंकि मॉब फार्म के लिए होता है। एरो चाहिए अपने को बहुत सारा, और अपने पास 3 स्टैक 4 स्टैक एरो आई थिंक काफ़ी रहेगा। और गाइस देखो, जो हम ये बैग बनाते थे ना, हम इन बैग को कलर्स भी दे सकते हैं यहाँ से, देख रहे हो आप? ये पर्पल कलर हो गया, और जैसे ये वाला कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये एंडर वाले बैग का कलर है, तो इसका हम ये वाला कर देते हैं ग्रीन टाइप। और ये जो हमारा ब्राउन वाला बैग है, इसको कर देंगे हम ऑरेंज। तो इस तरीके से भाई हम बैग्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये डर्टी आइडल, ये मेरे को समझ नहीं आया ये क्या है, तो इसको लगा के देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है भाई, ये इसका यूज़ क्या है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आइडल क्या है, इसका क्या यूज़ आएगा? आई डोंट नो, ये तो नीचे भी कहीं पर प्लेस नहीं हो रहा है, तो ये पता नहीं भाई कुछ अलग ही चीज़ है। ओके, और उसके अलावा गाइज हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि हम अभी नहीं यूज़ करेंगे भाई। ये देखो किस किस तरीके के जैम मिले हुए हैं भाई हमें। तो भाई हमें ये एक चीज़ और मिली थी, एक्वाटिक स्क्रब जैम। तो भाई ये एक एक्वाटिक जैम मिला था मुझे, तो इससे हम बहुत बड़े क्रेचर को टेम कर सकते हैं समुद्र के। बट गाइस समुद्र में तो अभी हम नहीं गए हैं, बट जल्दी समुद्र में भी जाएंगे, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भाई कि वहाँ पर क्या क्या होता है भाई। और उसके अलावा यार हमें अपने ये भी रिपेयर कर लेने होंगे भाई, क्योंकि ये पूरे के पूरे टूट गए हैं, तो ये तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। फिलहाल तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं एंडर ड्रैगन ढूंढने के लिए गाइस, क्योंकि हमें एक आई मिली थी जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो गाइस, सॉलिड एंडर आई, तो इससे भाई हम एंडर ड्रैगन को ढूंढ सकते हैं। और एंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए हमें बस इस आई को जो है इस तरीके से फेंकना होता है ऐसे। और कहाँ है भाई, देखो ये गया ऊपर, ये रही, तो इस साइड हमें जाना है। ये देखो कहाँ है, हाँ ये देखो इस साइड, तो इस तरीके से हम एंडर ड्रैगन को ढूंढ सकते हैं। और ये भाई इसका ड्यूरेबिलिटी है या पता नहीं क्या है,
लेकिन काफी बड़ी ड्यूरेबिलिटी है इसकी, मतलब काफी देर तक चल जाएगी ये हमारे पास। और गाइज यार हमारे पास फॉर्चून 3 है, तो क्या हम इसको ये मोटोक वाली पिकेक्स में डाल सकते हैं? लेट मी चेक। तो ये रहा एनविल, तो ये फॉर्चून 3 को डालेंगे हम मोटोक वाली पिकेक्स में। ओके गाइज हम इसमें डाल सकते हैं भाई। और देखता हूँ मेरे पास क्या इंचेंटमेंट पड़ी है भाई। फायर एक्सपर्ट डेप स्ट्राइडर, तो डेप स्ट्राइडर मैं बूट में डाल सकता हूँ। और आई थिंक अभी एम्ब्रल्ड के बूट सबसे बेस्ट है भाई डालने के लिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छी पावर है एम्ब्रल्ड के बूट्स में। तो ये लो डेप स्ट्राइडर डल गई। तो अब पानी में भी हम बहुत तेज़ी से दौड़ पाएंगे भाई, मतलब तैर पाएंगे। तो एक्वा इन्फिनिटी को मैं छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि अभी हम इस वाले हेलमेट में एक्वा इन्फिनिटी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट हम चेस्ट प्लेट में काफ़ी कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि मैं ये डाल देता हूँ भाई, इसमें प्रोटेक्शन डाल देता हूँ, और ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन। अच्छा ब्लास्ट प्रोटेक्शन हम लैगिंग में डाल लेते हैं। ये रही लैगिंग जो कि हमें स्पीड देती है, और आई थिंक इसकी ड्यूरेबिलिटी है या पता नहीं है क्या नहीं है, ये हमें बाद में देखना होगा भाई। बाकी इसमें स्पीड तो है, पावर बची हमारे पास। तो गाइस हमें एक बो चाहिए होगी भाई एंडरमैन को मारने के लिए, तो हम ये वाला बो जो है ले सकते हैं, ग्लाइडिंग। ओके पता नहीं भाई कैसा बो है ये, अजीब सा। तो इसको हम टेस्ट करके देखेंगे भाई क्या बो है ये, फिर उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें से एरो भी बड़े अजीब से निकल रहे हैं भाई, ये देख रहे हो गाइस, ब्लू कलर का एरो निकल रहा है इसमें से। तो इसका कुछ एरो फ्लाई स्ट्रेट फुल चार्ज। ओके ये चार्ज होता है ये बो। ओके गाइस तो इसके अंदर भाई हम पावर डाल सकते हैं बो के अंदर, तो हमारे पास पावर 2 थी, तो ये बो में डाल लेते हैं हम। वैसे हम इसके अंदर भाई कुछ इन्फिनिटी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है भाई। फायर एक्सपेक्ट 2 मैं अपनी स्वॉर्ड में डाल लेता हूँ भाई, ताकि मेरी स्वॉर्ड भी थोड़ी पावरफुल हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास इससे ज़्यादा बढ़िया स्वॉर्ड तो है नहीं, एमरल्ड से ज़्यादा बढ़िया स्वॉर्ड। हमें ये कुछ सीड मिले हैं जो कि मैं उगाने वाला हूँ, और यहाँ उगा देते हैं इन सीड्स को हम। चलो भाई देखेंगे भाई ये कैसे सीड होते हैं, इनमें से क्या निकलेगा। आई थिंक इसमें से गेहूं निकलना चाहिए भाई, और वो गेहूं काफ़ी काम का होगा। तो 17 आईओ फेंडर बन चुका है भाई, आई थिंक इतना तो बहुत बहुत काफ़ी है भाई। ओ गाइस यहाँ पे कछुआ है भाई, और ये क्या कछुआ क्या सोया हुआ है, व्हाट? हाँ ये सोया हुआ था भाई, ये उठ के देखो उठ के भाग रहा है पानी में। ओ भाई ये कछुआ है गाइस, होली क्रैप गाइस देख रहे हो। I'm fast as fuck, boy. चलो इसको जाने देते हैं भाई, वो डर गया आई थिंक हमसे, वापस चलते हैं अपने सफर पे। सो गाइस यार हम एंडर ड्रैगन को ढूंढते भाई समुन्द्र के बीच पे आ गए हैं, और भाई समुन्द्र के बीच पे देखो हमें क्या मिल रहा है, शंख वगैरह पता नहीं क्या पड़े हुए हैं यहाँ पे, सीपिया वगैरह पड़ी हुई है, और ये एक अजीब सा पक्षी है भाई जिसका नाम ये क्या फ्राइगेट पता नहीं भाई, ये कोई जानवर है, कौवे जैसा दिख रहा है ये दिखने में तो। और यहाँ पे गाइस एक फ्लोटिंग आइलैंड है भाई, ये मुझे देखना पड़ेगा भाई फ्लोटिंग आइलैंड कैसा है। और बाकी मैं पानी में तो तैर सकता हूँ भाई, लेकिन मुझे डैमेज क्यों पड़ा पानी में भाई। ओके गाइस तो भाई मैं ऊपर आ गया हूँ, और ऊपर जाके मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक ड्रैगन का एग है, और ये क्या बैठा हुआ है भाई इसके ऊपर, ये उदबिला हुआ है, व्हाट द हैक। और ये पानी है कि क्या है भाई, नीला नीला आई डोंट नो गाइस, बट यहाँ पे मुझे एक एग दिख रहा है, वाटर ड्रैगन एग गाइस। तो इस एग को मैं उठा लूँगा भाई ऐसे करके, अभी मुझे एग उठाने आ गया भाई, अब मैं गलती नहीं करने वाला। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, ये पानी अजीब सा दिख रहा है मुझे कुछ। और उसके अलावा भाई ये क्या होगा भाई यहाँ पे, ब्लू इनलाइटेंड बुश, ये किसी तरह का बुश है भाई, भाई ये बुश तो किसी काम का नहीं है, इसको हटाओ। फिर गोल्ड नगेट थे, और ये कौन सा ट्री है भाई, ट्रॉपिकल ट्री है ये, मैं ये पानी के आसपास पाया जाता है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा टीवी वगैरह में, इसको हम तो उदबिलाव बोलते हैं हिंदी में, बाकी इंग्लिश में पता नहीं इसका नाम क्या है, आप लोग पढ़ लेना भाई। अब भाई ये कोई विलेजर दिख रहा है मुझे तो, वेट अ सेकेंड, हाँ ये कोई विलेजर है, और साथ में यहाँ पे एक चेस्ट भी है,
हेलो दोस्तों। जू कीपर। ओके गाइस, ये जू कीपर है, ये कुछ बेक रहा है क्या? कुछ सेल तो कर नहीं रहा भाई ये जू कीपर। कुछ दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा ये जू कीपर। बाकी यार ये सही लग रहा है जू कीपर देखने में, इसको मन तो कर रहा पकड़ के ले जाऊँ अपने साथ, लेकिन इसको लेके कैसे जाऊँ? देख रहे हो इसकी हैट वैट क्या बढ़िया तरीके से इन्हें अपनी ड्रेस पहनी हुई है, नाइस। बाकी मुझे यहाँ पे मैजिक बीन मिले हैं वापस से, और पोटैटो वगैरह सीड ले लेता हूँ मैं, सैपलिन वगैरह कुछ नहीं चाहिए भाई। फिलहाल तो यार सफ़र हमारा बिल्कुल सही चल रहा है एकदम मस्त तरीके से, और बाकी मैं यार फालतू की चीज़ें अपने इसके अंदर डाल देता हूँ। तो गाइस मुझे भाई एंड पोर्टल जो है मिल गया है, ये देखो गाइस यहाँ पे नीचे जा रही है चीज़ें, तो यहाँ नीचे जाना है अपने को। तो चलो भाई खुदाई शुरू करते हैं और देखते हैं कितना नीचे जा सकते हैं हम यहाँ पे। तो गाइस भाई हमें रास्ता मिल गया, ये रहा एंड पोर्टल का, और अब हमें नीचे जाना है और एंड पोर्टल ढूंढना है भाई। देखते हैं कितनी देर में मिलता है हमें एंड पोर्टल। ओ ये क्या मिला भाई, अजीब से कलर का केक मिला मुझे। इन्वेंट्री अपग्रेड, ईट अपग्रेड योर इन्वेंट्री। तो भाई मुझे कोई इन्वेंट्री अपग्रेडर मिला है, और ये फालतू की चीज़ें मैं इसमें रख देता हूँ भाई। और ये समिंग पेंडुलम, ये क्या चीज़ है भाई। और ये थंडर वाला मिला है, ये तो मुझे पहले भी मिला है। खैर चलो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे। अभी फ़िलहाल तो मुझे एंड पोर्टल कहीं तक दिखा नहीं है अभी तक, मिलने तो जो मिल रहा है। मैं ये केक खा लेता हूँ इन्वेंट्री वाला, और शायद मेरा इन्वेंट्री बड़ा हो गया। हाँ मुझे एक्स्ट्रा इन्वेंट्री मिल गया भाई, नाइस। तो मैं ये सामान अब यहाँ पे रख सकता हूँ भाई। सो गाइस यार मेरे को भाई एंड पोर्टल मिल गया है, और फिलहाल यहाँ पे मुझ पे हमला हो गया ये अजीब सी जानवरों का। भाई मेरे को सच में आज तक समझ में नहीं आया कि यार ये किस लिए बनाई गई हैं भाई। सो गाइस सिल्वर फिशेस भाई मार दिए हैं मैंने, और ये अजीब सा फूड मिलता है उनसे। तो चलो भाई इसको एक्टिवेट करते हैं पोर्टल को, और सीधा चलते हैं एंडरमैन्स को मारने के लिए। और भाई मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कैसा होगा एंडरमैन हमारा। और गाइज ये लास्ट वाला भी लगा दिया। तो भाई एंड पोर्टल गाइज हमारा एक्टिवेट हो चुका है भाई, और मैंने ये पोर्टल मार्क भी कर लिया है, और थोड़ा सा आर्मर हमारा ख़राब पोजीशन में है, बट चलेगा यार इतना तो। और बाकी की ये आइज़ मैं रख देता हूँ। और यार एंड पोर्टल में जाने से पहले गाइज मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं एक रूप बदलना चाहूँगा। लास्ट बारी गाइज मैं ये रूप बदल रहा था, यानी मैं फैरो का रूप ले रहा था जो कि इजिप्ट का राजा है, यानी इजिप्ट जो हमने जहाँ पे रेड की थी लास्ट में, ये रहा फैरो, तो ये वहाँ का राजा है भाई। इसका रूप मैं बदलने वाला था, लेकिन गाइस क्या हुआ कि भाई तभी के तभी मेरा यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, और हमारी लाइव स्ट्रीम बीच में अटक गई थी। तो चलो भाई मैं फैरो बन जाता हूँ, और अब इसका पावर देखना गाइज आप। यो बॉयज आप देख रहे हो गाइज मेरे हार्ट, भाई क्या तगड़े हार्ट आ गए हैं मेरे पास, और मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ गाइस। अब मैं हाथ से भी एंड ड्रैगन को मार सकता हूँ, इतना भी आसान नहीं है भाई। हेल्थी तो मिली है बस, बाकी ये हूँ करता रहता है, वो बहुत अजीब है। और मैं अपनी चीज़ें जो है यहाँ पे रेडी कर देता हूँ गाइस। और भाई ये वो चीज़ें हैं जो मैंने रेडी कर दी अपनी बेसिक चीज़ें, और अभी चलते हैं एंडरमैन को मारने के लिए ऊपर की साइड। तो आई थिंक हम बाहर आ गए हैं भाई, ओके। बट एंडर ड्रैगन कहीं दिख नहीं रहा भाई। तो भाई एंडर ड्रैगन तो कहीं दिख नहीं रहा यार, और ये क्या है भाई, ये कोई एंडर करके कुछ चीज़ है भाई, क्या है ये? ओ कुछ शार्ट, अबे ये क्या भाई, मेरे को टेलीपोर्ट कर दिया था इसने। रेसोनेट, ये कुछ रेसोनेट टाइप कुछ है भाई, और एंडर ड्रैगन तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है भाई। क्या वो रहा गाइस एंडर ड्रैगन पावर ले रहा है भाई, और ये क्या भाई एंडर ड्रैगन, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है भाई, ये चीज़ मुझे नहीं पता क्या है भाई। बाकी मैंने उसको मार दिया जो भी था ये, और इससे मुझे कुछ मिला है, गास्टियर मिला है मुझे इससे भाई, ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेंज है यार। और तो चलो भाई सारे के सारे क्रिस्टल तोड़ देता हूँ मैं एंडर ड्रैगन के, और एंडर ड्रैगन मेरे को थोड़ा डीएक्टिवेट सा लग रहा है, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर रहा है एंडर ड्रैगन, पता नहीं क्या कर रहा है।
और यार गाइज एक चीज और यार, मैं यहाँ पे आ तो गया बट गाइज मैं यहाँ पे बॉटल्स नहीं लेके आया यार अपने साथ। तो भाई मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये पोर्टल मार्क कर लेता हूँ और घर पे जाके पहले बॉटल्स लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका ब्रीथ जो है वो इकट्ठा करना है। या फिर इसको मार ही दे, ब्रीथ बाद में इकट्ठा करेंगे। चलो इसको मार देते हैं गाइज, हम ब्रीथ बाद में इकट्ठा करेंगे। तो लेट्स गो गाइज। ये जो एरो है ना मेरे, ये बिल्कुल सीधे जाते हैं, मतलब मेरे को पता चल गया इसमें क्या पावर है एरोज में। भाई ये एरोज है ना बिल्कुल सीधे जाते हैं इस बो की वजह से। और अभी अंडर ड्रैगन मर जाएगा भाई, अब ये मर जाएगा। यस अब मैं इसको तलवार से मारूंगा, बहुत हो गया, वो से मर नहीं रहा यार ये, क्योंकि जो एरोज है वो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। और मैं गाइज इसको यहाँ पे नहीं मारूंगा भाई, क्योंकि गाइज यहाँ पे मारने से इसका जो एनर्जी और इसकी जो लूट है ना वो सारे के सारे अंदर चली जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा साइड में मारूंगा जब ये साइड में चला जाएगा। मर गया, नाइस। चलो भाई मर गया, मुझे इससे लूट मिल जाएगा। बट उससे पहले गाइज मैं एक काम करूँगा भाई, मैं इसको पूरा यहाँ पे फिल कर दूँगा, क्योंकि एक बार ही क्या हुआ था मेरे साथ, इसमें सारे के सारे जो ये एग है ना ड्रैगन एग, वो इसके अंदर चला गया था और फिर मुझे कभी मिला ही नहीं। तो भाई मैं पहले इसको कवर करूँगा, उसके बाद इसके अंदर जाऊँगा। ओके अभी मैं एग लूँगा सबसे पहले, तो इसके नीचे लगाते हैं ऐसे करके, इसको तोड़ देते हैं और अंडा ले लेते हैं। चलो भाई एग मिल गया अपने को, और अभी चलते हैं गाइज अपन घर। सो लेट्स गो। सो गाइज यार मैं एंडर ड्रैगन को मार के घर तो आ गया, बट मैंने एक गलती कर दी है गाइज, मैं वहाँ पे एक्सपी पूरा का पूरा छोड़ के आ गया हूँ। तो मैं एक बार और जाता हूँ और एक्सपी लेके आता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको लूट दिखाऊंगा भाई कि क्या क्या लूट मिली है। वैसे तो कुछ भी लूट नहीं है यार आप लोगों के सामने है, जो भी अंडा वंडा मिला है बस एक ही। तो एक्सपी ले लेता हूँ यार मैं, काफ़ी सारी एक्सपी हो जाती है इससे। ये है बायोटाइट, ये अपने को चाहिए काफ़ी सारा, दो ही मिला। बायोटाइट से ही गाइस चीज़ें बनेंगी हमारी आने वाली भाई। और गाइस सच में भाई ये फैरो का कैरेक्टर ना बहुत तगड़ा है भाई, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, सच में यार बहुत पावरफुल कैरेक्टर है उसमें। मतलब उसका पावर जो है ना वो बहुत, मुझे लगता है अभी तक के मॉब्स के सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉब्स है फैरो, क्योंकि उसका पावर देख रहे हो आप, बिल्कुल आयरन गोलम जितना हेल्थ है उसका भाई फैरो का। तो यार फैरो के साथ हम खेलेंगे भाई और भी ज़्यादा। और भाई ये लूट है जो हमें मिली है वहाँ से, और ये एक अजीब सी चीज़ मिली है, समन कुछ करके लिखा हुआ है इसमें, तो इसको एक बारी पावर करके देखते हैं। तो ये पावर नहीं हो रही है भाई, इसको पावर किस चीज़ से करना है ये मुझे नहीं पता। इसको पावर करने के लिए कुछ चाहिए होगा भाई। और यार आज के वीडियो में इतना ही गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और भाई नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पोर्टल खोलेंगे, और मैं आपको लेकर जाऊंगा पुराने ज़माने में गाइस, जहाँ पे डायनासोर्स हुआ करते थे, और वहाँ से हम डायनासोर्स और ड्रैगन के एग चुरा करके लेके आएंगे बिल्कुल उनके पैरों के नीचे से। और उसकी एक ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस यार ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा भाई ज़रूर से बताना, और शेयर वगैरह कर देना गाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ यार जल्द से जल्द हमारे 100K हो जाएंगे, जिससे कि हमारा चैनल जो है वेरीफाई हो जाए, और भाई हमारा जो वीडियोज़ है और भी अच्छे तरीके से सजेशन में जाए और लोगों के, और सभी लोगों को पता चले कि भाई माइनक्राफ्ट में ऐसे ऐसे भी मोड्स होते हैं जहाँ पे भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर। तो चलिए यार गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर एंड सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।